RK Events present Jhansi's biggest modeling pageant, Mr. and Miss Jhansi and Kids Fashion Show 2020. Audition date 12 December 2020. Timing 12 p.m. to 3 p.m. Venue Hotel Tulsi, Chitra Chauraha, Jhansi. ऐसा स्वाद और कहाँ? जनाब अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड बहुरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहाँ कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड मोती होटल के पास स्टेशन रोड बहुरानीपुर झांसी जिले के टोडी फतेहपुर सहित कई क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय पथराई बांध परियोजना से निकली मुख्य नहर में पानी नहीं छोड़े जाने से रवि की फसलें सूखने के कगार पर हैं। कारण कुछ और नहीं सिंचाई विभाग की गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसके अधिकारी मोटी तनख्वाह लेकर चैन की नींद सोते रहते हैं। शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके किसानों की उपज बढ़ाए जाने की मंशा के साथ पंडित दीनदयाल बांध परियोजना शुरू की गई पर सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारियों की उदासीनता के चलते पथराई बांध से निकली मुख्य नहर से पानी नहीं छोड़ा गया जिससे हजारों किसान अपने खेत की सिंचाई नहीं कर पाए। मुख्य नहर में पानी छोड़ा तो गया लेकिन पानी मौजा बांध के कुछ दूरी तक ही पहुंचकर धरती में समा गया जबकि हजारों एकड़ खेतों में खड़ी रवि की फसल पानी ना मिलने के अभाव में सूख रही है लेकिन सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जरा सी भी परवाह नहीं है। दरअसल पानी ना पहुंच पाने का एक कारण और भी है कि नहर की सिल्ट की सफाई हेतु शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन उस पैसे का विकास भवन में ही बंदरबांट हो जाता है जबकि नहर में कुछ स्थानों पर महज औपचारिकता निभा दी जाती है। ग्राम सिजारा साइफन जो दाई ओर की मुख्य नहर पर बना हुआ है वह पूर्ण रूप से चोक हो चुका है जिसकी वजह से नहर का पानी आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ली गई है और फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं इस नहर पर बने रजवाड़ा घाट पर कोई व्यापक व्यवस्था ना होने की वजह से नहर का पानी बहकर पथराई नदी में पहुंच रहा है जबकि किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों से पथराई बांध पहुंचे जहां पर कोई भी सिंचाई विभाग का अधिकारी उपस्थित नहीं था। पथराई बांध से लौटकर किसानों ने स्वयं दाई ओर की मुख्य नहर में सफाई कार्य किया जो काम सिंचाई विभाग को करना चाहिए था। किसानों ने एहसास के साथ यह काम किया कि शायद फसलें सूखने से बच जाएं। यहां किसानों ने हाथों में फावड़ा तसला लेकर जहां से नहर का पानी बर्बाद हो रहा था उसे रोकने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। अगर समय रहते सिंचाई विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाता तो शायद किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता। इन तस्वीरों को देखकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। न्यूज बीके भी जिला प्रशासन से अपील करता है कि गैर जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों पर ऐसी कार्यवाही करें जिससे आगे से किसानों के मुद्दे पर कोई भी लापरवाही ना करे। देखिए सर, हमारे यहाँ जो पथराई नहर की मुख्य नहर है यहाँ पर समय से पानी नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है और एक माह से आश्वासन दिया जा रहा है शासन द्वारा अधिकारियों द्वारा, यही की लापरवाही के चलते यहाँ पर सारी खाना पूर्ति हो रही खुदाई की और कोई समय से खुदाई नहीं हुई है ना इसका सब पानी समय से मिल पा रहा है। एक माह से पानी का आश्वासन दिया रहा कि 1 नवंबर से पानी चालू हो जाएगा, इसके बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है। किसान 10 किलोमीटर तक पानी पहुँचा नहीं पहुँचा है, नहर के नाम पे खुदाई खाना बहुत परेशान है, फसलें सूखने की कगार पर है। अगर समय रहते यहाँ पर कोई भी शासन द्वारा कोई नीति पर कार्रवाई नहीं कही तो यहाँ पर हम लोग सब किसानों को प्रदर्शन के लिए तैयार है, किसानों को प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएगा। टोड़ी फतेहपुर से वीरेंद्र तिवारी के साथ अर्पित शर्मा की रिपोर्ट। अरे यार, जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, अरे सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो, तुम कान खोल के सुनो, कौन ऐसी वैसी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.